हेलो तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रवि राजपूत वेलकम करता हूं आपको स्पार्टन की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 न्यू बैटल रॉयल गेम्स के बारे में। दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही है कि पबजी का कुछ पता ही नहीं चलता, कब अनबैन हो जाता है और कब बैन हो जाता है। तो ऐसे में घर में फारिक टाइम गुजारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आप लोगों का तो पता नहीं, लेकिन मेरे लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को टॉप 10 न्यू बैटल रॉयल गेम्स के बारे में बताऊंगा, और ये सारे के सारे गेम्स मैंने खुद खेले हैं और मेरे को तो बहुत ज्यादा अच्छे लगे हैं। आप लोगों को भी बहुत ज्यादा अच्छे लगेंगे ऐसा मुझे लगता है। तो अपनी लिस्ट के जो नंबर फर्स्ट पे गेम है उसका नाम है बैडलैंडर्स। दोस्तों, ये गेम पिछले महीने ही रिलीज हुआ है और काफ़ी अच्छी डाउनलोड्स भी इसने ले ली हैं। इस गेम का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा यूनिक है और थोड़ा सा बाकी की बैटल रॉयल गेम से डिफरेंट है। इसमें 25 प्लेयर उतरते हैं एक बैटल ग्राउंड में। जैसे कि आप लोगों को पता है, बैटल रॉयल का जो सिस्टम होता है उस हिसाब से आप लोग 3 लोगों का ग्रुप उतर सकते हैं, यानी कि आप और आपके और 2 दोस्त इकट्ठे खेल सकते हो। तो इस गेम की दोस्तों जो एनिमेशन है और जो बम फटने की और फ्लेयर वगैरह की जो एनिमेशन बनती है वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी और काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लगी है। और इस गेम का कॉन्सेप्ट यह है कि आप लोगों को चीज़ें ऐसे इकट्ठी करनी है जैसे कि आप लोग इकट्ठी करते हो बैटल रॉयल गेम्स में, और उसके बाद आपको एस्केप पॉइंट्स दिए जाएंगे कि आप लोगों ने इन पॉइंट से होके गुजरना है लास्ट पॉइंट तक, और उन सारे पॉइंट्स को होते हुए आप लोगों को अपने एनिमी से भी फाइट करनी है, आप लोगों को चीज़ें भी कलेक्ट करनी है। तो काफ़ी ज़्यादा सही गेम मुझे ये तो लगा है, तो मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया ये गेम। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों ने क्या ये गेम ट्राई किया है। अगर आप लोग ये गेम खेलते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। तो इसी के साथ चलते हैं अपने नंबर 2 गेम पे, जो कि है राइड आउट हीरोज। दोस्तों, ये भी बाकी सारी बैटल रॉयल गेम से इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल यानी यूनिक और बिल्कुल ज़्यादा स्टाइलिश का बहुत ही ज़्यादा अलग है। आप लोग देख ही सकते हो, इस गेम में आप लोगों को डिफरेंट टाइप के एनिमल्स मिलेंगे, ना कि आप लोगों को बाइकें और गाड़ियां मिलेंगी, बल्कि आपको डिफरेंट टाइप के एनिमल्स मिलेंगे। आप लोगों को उनके ऊपर बैठना है और आप लोगों को डिफरेंट जगहों पर जाना है, जैसे कि बाकी बैटल रॉयल का कॉन्सेप्ट होता है। और इस गेम में आपको वेपन्स नहीं मिलेंगे, बल्कि आपको मैजिकल वेपन्स मिलेंगे जिनका आपने इस्तेमाल करना है और अपने एनिमीज को नॉक आउट करना है और लास्ट तक खड़े रहना है। तो मेरे को तो ये गेम बहुत अच्छा लगा है। आप लोग अगर इस गेम को खेलते हो या आप लोगों ने पहले इस गेम को देख रखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं हम अपने नंबर 3 गेम पे, और नंबर 3 पे हमारे पास है ओमेगा लेजेंड्स। दोस्तों, ये भी काफ़ी सही बैटल रॉयल गेम है, और इस गेम में जो आपको एक यूनिक चीज़ देखने को मिलेगी वो ये है कि इसकी गन्स जो हैं वो बाकी सारी बैटल रॉयल गेम्स के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा एडवांस और काफ़ी ज़्यादा यूनिक हैं। आप लोगों को इसमें एपिक्स लेजेंड वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, और ये एक बहुत सही चीज़ है। सारा का सारा तो एपिक्स लेजेंड वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत बीच में एपिक लेजेंड वाला कॉन्सेप्ट है इसमें। और इसमें एक खास बात यह है कि आपको इसमें एक AI सिस्टम भी देखने को मिलेगा जो कि आपको आवाज़ के साथ बताएगा डिफरेंट चीज़ें, जैसे कि सेफ जोन श्रिंक हो रहा है, एनिमीज आ रहे हैं, और बाकी सब कुछ भी वो AI आपको बताएगा। तो ये भी काफ़ी सही चीज़ है। तो मेरे को तो ये गेम काफ़ी सही लगे और काफ़ी पसंद आया है। तो आप लोग भी ज़रूर इस गेम को ट्राई करना, आप लोगों को भी काफ़ी सही लगेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं हम अपने नंबर 4 गेम पे, और नंबर 4 पे हमारे पास है नाइव्स आउट नो रूल जस्ट फाइट। तो गेम के नाम में ही है नो रूल जस्ट फाइट, तो आप लोगों को बस इस गेम में फाइट ही करनी है और आप लोगों को बचना है लास्ट तक, ताकि आप लोग लास्ट तक खड़े रह सको और बन सको इस गेम के विनर। तो ये गेम भी थोड़ा सा पॉपुलर है और काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये गेम अच्छा लगा है जिन्होंने भी डाउनलोड किया है इसको। मैंने भी ये गेम खेला और मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा ठीक लगा ये गेम। तो बाकी आप लोग भी बताना आप लोगों को ये गेम कैसा लगा है, आप लोग अगर डाउनलोड करते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे। तो दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं हम अपने नंबर 5 गेम पे, और नंबर 5 में हमारे पास है रूल्स ऑफ सर्वाइवल। दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही है कि सर्वाइव करने के कुछ ना कुछ रूल्स तो होते ही हैं, और ये गेम में भी बिल्कुल वैसा ही सेम कॉन्सेप्ट है। और आप लोग देख ही सकते हो कि इस गेम में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा एडवांस चीज़ें देखने को मिलेंगी और काफ़ी ज़्यादा एडवांस मैकेनिक और वेपन्स वगैरह इसमें यूज़ किए गए हैं। लेकिन मेरे को लगता है कि अगर आप लोग इतना ज़्यादा एडवांस कर दोगे एक सर्वाइवल गेम को तो उसमें वो मज़ा नहीं रहेगा। और अगर ये गेम प्रेजेंट टाइम वाली चीज़ों पर भी बेस होती तब भी ये गेम काफ़ी ज़्यादा सही लगती, लेकिन फिर भी ये गेम काफ़ी ज़्यादा अच्छी है पबजी और कॉल ऑफ ड्यूटी जैसी गेम्स के टाइटल जो है उनसे भी एडवांस वेपन्स और एडवांस टेक का इसमें यूज़ किया गया है। बिल्कुल नेक्स्ट जेन गेम आप लोगों को लगेगी अगर आप लोग इस गेम को खेलोगे तो मुझे भी बस ठीक ठाक लगी है गेम। और आप लोग अगर डाउनलोड करते हो तो आप लोग भी मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसी लगती है गेम। तो दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं अब अपने नंबर 6 गेम पे, और नंबर 6 पे हमारे पास है सुपर मेका चैंपियंस। दोस्तों, ये भी आप लोगों को थोड़ी सी एक एडवांस बैटल रॉयल गेम देखने को मिल जाएगी। ये बाकी गेम से थोड़ी सी हटके है, और इसमें जो बाकी गेम से अलग मेरे को चीज़ लगी है वो ये है कि आप लोग इसमें
यानी डिफरेंट चीज़ों में कन्वर्ट हो सकते हो। आप लोग इसमें रोबोट में भी चेंज हो सकते हो और रोबोट को पूरा कंट्रोल कर सकते हो, उसमें से फायर कर सकते हो, अपने एनिमीज को मार सकते हो। और जब आप रोबोट पे कन्वर्ट हो जाते हो तो आप लोगों का एनिमी जब आप लोगों को मारता है तब भी आप लोगों को उसकी कम डैमेज होती है। और एनवायरनमेंट भी आप लोग देख ही सकते हो कि आप लोगों को ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। सिटी टाइप एनवायरनमेंट आपको यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा। और बाकी ये गेम तो काफ़ी ज़्यादा सही और काफ़ी ज़्यादा ठीक लगी है मुझे, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना इस गेम को एक दफ़ा। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अब अपने नंबर 7th गेम पे। और नंबर 7th पे हमारे पास है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। दोस्तों ये गेम फोर्टनाइट से मिलती जुलती है। इसमें जो आप लोगों को ग्राफिक देखने को मिलेंगे वो बिल्कुल फोर्टनाइट से मिलते जुलते हैं, और कैरेक्टर जो आप लोगों को देखने को मिलेंगे वो भी कार्टून जैसे हैं जैसे कि फोर्टनाइट में दिखाए जाते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है बिल्कुल फोर्टनाइट वाली गेम तो नहीं है। कुछ आपको छोटे बड़े चेंजेस तो देखने को मिल ही जाएंगे इस गेम में। जैसे कि आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगा कि जो इसमें टेक्नोलॉजी और जो इसमें वेपन्स और ब्लॉक्स वगैरह क्रिएट करने की जो आप लोगों को ऑप्शन वगैरह मिलेगी वो फोर्टनाइट से भी ज़्यादा एडवांस है, और काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ है ये। बाकी गेम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आप लोग ट्राई तो कर ही सकते हो। तो इसी के साथ चलते हैं हम अपनी नंबर 8 गेम पे। और नंबर 8 पे हमारे पास है गरीना फ्री फायर। तो दोस्तों आप लोगों को तो पता ही होगा कि ये गेम कॉल ऑफ ड्यूटी और पबजी मोबाइल जैसे बड़े टाइटल्स को भी टक्कर दे रही है। कम साइज है इस गेम का, लेकिन फिर भी इसकी ग्राफिक क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसके पॉपुलर होने की वजह इसका कम साइज तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ इसका एक और जो मेन रीज़न है पॉपुलर होने का वो है कि ये किसी भी मोबाइल में चल जाती है। यानी कि अगर आपका मोबाइल कम स्पेसिफिकेशन वाला भी है, यानी कि 1 GB रैम भी है मोबाइल में, तब भी ये गेम आपके मोबाइल में चली जाएगी। तो इसीलिए काफ़ी लोग जिनके फ़ोन में पबजी और कॉल ऑफ ड्यूटी नहीं चलती वो फिर इस पर ही गुजारा कर लेते हैं। लेकिन मेन रीज़न ये नहीं है कि इसका स्पेसिफिकेशन कम होने की वजह से इसकी काफ़ी ज़्यादा डाउनलोड्स है। गेम की ग्राफिक्स भी अच्छी हैं और मैकेनिक्स भी अच्छी हैं। और इसमें जो एक अच्छी बात यह है कि इसमें हर रोज़ यानी कि तकरीबन हर रोज़ ही कोई ना कोई नया अपडेट आ ही रहा होता है। कंपनी जो है कुछ ना कुछ नए अपडेट लाते ही रहते हैं, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा सही बात है। यानी कंपनी गेम पर ध्यान दे रही है और इस पर काम कर रही है, तो इसलिए मेरे को तो ये गेम काफ़ी ज़्यादा पसंद है और मैं अक्सर यही गेम खेलता हूँ। तो अगर आप लोगों ने ये गेम खेला हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आप लोगों ने नहीं खेला तो यार इसको डाउनलोड ज़रूर करो, आप लोगों को बिल्कुल पसंद आएगा ये गेम। तो इसी के साथ चलते हैं हम अपने नंबर 9th गेम पे। और नंबर 9th पे हमारे पास है साइबर हंटर। दोस्तों ये गेम भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, काफ़ी कम अरसे में ही काफ़ी ज़्यादा डाउनलोड इस गेम ने ली थी, और काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये गेम बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। और मेरे को भी ये गेम काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है दोस्तों। और इसमें आप लोग देख ही सकते हो कि आप लोगों को थोड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। आप लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हो कि क्या कॉन्सेप्ट है इस गेम का और कैसी टेक्नोलॉजी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप लोगों ने ये गेम नहीं खेला तब भी मैं आप लोगों को कहूँगा कि ये गेम भी आप लोग ज़रूर ट्राई करो, और काफ़ी ज़्यादा सही गेम है और तकरीबन हर मोबाइल में ये गेम चल ही जाता है। तो जो अब नंबर लास्ट पे यानी गेम हमारे पास रह गई है नंबर 10 पे, उसका नाम है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल। अब दोस्तों इसके बारे में शायद से कोई होगा जो नहीं जानता होगा, लेकिन ये गेम इतना ज़्यादा अच्छा और इतना ज़्यादा औसम है कि मुझे इस लिस्ट में इसको लेना ही पड़ा। तो मेनली तो ये मल्टीप्लेयर गेम है, यानी कि आप लोग अपने दोस्तों के साथ ये मिलके प्लेयर वर्सेस प्लेयर टाइप गेम खेल सकते हो। लेकिन इसमें बैटल रॉयल मोड जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा अपडेट हो रहा है, और कंपनी रेगुलरली इस पर काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है और काफ़ी ज़्यादा अपडेट भी आती रहती हैं इसके बैटल रॉयल मोड में। और इसका बैटल रॉयल मोड जो है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर दिया गया है, और उम्मीद है कि आने वाले फ्यूचर में ये और ज़्यादा अच्छा कर देंगे। लेकिन अगर आप लोगों को इसका बैटल रॉयल नहीं खेलना तो आप लोग इसका मल्टीप्लेयर मोड तो ज़रूर से ट्राई करना, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ही ज़्यादा औसम है यार। आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लगेगा, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और काफ़ी ज़्यादा पसंद आया मुझे इसका मल्टीप्लेयर मोड। और इसके पॉपुलर होने की मेन रीज़न भी यही है कि प्लेयर वर्सेस प्लेयर मोड इसमें है, और मेरे को भी ये गेम इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा सही और काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो अगर आप लोगों को ये गेम पसंद है या आप लोग इस गेम को खेलते हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और बताना कि आप लोगों को ये गेम कैसा लगता है, अच्छा लगता है या नहीं लगता। तो ये थे वो 10 के 10 गेम जो कि आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। बैटल रॉयल गेम है और जाहिर सी बात है ऑनलाइन गेम है सारे के सारे, और लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगे, तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो इन सारे गेम को। और बस बाकी पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट वगैरह के बारे में तो आप लोगों को पता ही है, तो मैंने इसलिए उस गेम्स को इस लिस्ट में नहीं लिया। तो अगर आप लोगों की किसी भी टाइप की कोई सजेशन हो यानी वीडियो बनाने की, तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दिया करो, मैं उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाया करूँगा। तो बस थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मैं मिलूंगा आप लोगों से अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मज़ेदार गेम्स और कुछ और शानदार बातों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।